ahanba makada swarga malem taibang pal marol ahum bulai shim biwa taibang pan bada ekhoina mitna uba pot namitha thawan micha chingtam ising kangfal loinena mitna udaba tongan tongan ba graha sing loinena nungshit pumnamakpu machindagi oikhar sanu haiba wahi gi mapal na ohen birakpa aduga miyoi ba ekhoi bu masamakna masamaki makhutna सेंबी दुना साबी दुना एकोई द अहिंग बत हवाई काम सेंबी दुना अहिंग बम मियोई बा ओहेन बीबा खुदिंग मक्की हरोक पम ओरी बा अमा खक्तन गाय रबा लेशेम बीबा मपु महकपु मपाल नाय दुना थाकचरी लोने ना यंग बीरी बा ताबीरी बा पुन्न मकपु इकाई खुम नबा दयानन लाइश्रम न उच्चरी नसी ऐ मयाम द टेस्टिमोनी अमा खक यंग हंजर के अथोई बा ईश्वर की मतिक माल थल बा टेस्टिमोनी नी टेस्टिमोनी असी इंग्लिश लोंडा पीबा टेस्टिमोनी नी दु मयाम सिंग न खंग बा यानब की दमक ते हिंदी दमुक डबिंग तब टेस्टिमोनी टेस्टिमोनी अदम यान पुकनी इंथना यू ईश्वर की मतिक मंगाल पावर थल्ली टेस्टिमोनी टेस्टिमोनी मुस्लिम नुपा मुस्लिम की मासे चम चम नुपा मासे मौलबी कुरान तोंगान तोंगान चैप्टर कया आयत कया की वारी वारी दी सांगे ऐने समलपना खरदंग हाइजुबनी महाकसे मौलवी ओइरेब मतुंग द महाकना कनागुंबना जिस यीशु ख्रिस्त कनानो हाइबो वांग से लाखे महाकना यीशु ख्रिस्त यीशु से ईश्वर नते ईश्वर खोगे दी अल्लाह खक्तनी ईश्वर अदुय बतारे गसु कनागुंबना जिसु कनानो हारेक मतम द महाकना कुरान पाव मतम द कुरान गी लाइक से अमुक मो हन्ना न हौना न पाव मतम द महाकना जिसु कनानो हाइबो से खंगे अदुगि मतुंगदा महाकसे यीशु ख्रिस्त लौशन की तोंगान तोंगान बा अवाब कयादगि मायोक नरगा महाकना यीशु ख्रिस्त बु लौशन की अदुगा महाकना यीशु ख्रिस्त लौ ख्रिस्त लौशलबा मतुंगदा महाकसे मतम कुइना यीशु ख्रिस्त बु थाजो बसिंगि मनाकते लैखिबने अदुगा मैखोइगि ममा मपाना महाकसे मांखरे मांखरे हाइदुना खबर द फावा महाकी मसक ममिंग येगा माबु फंग फंग बतारगदि हायो हाइदुना तोंगान तोंगान महासे हाइखिबा अदुगा नोंमदि मागी मपान फंगबा मतमदा मपासिने माबु याम साथिना फुबगी मरमना मागसे मनातोन गसे इ तारगा मागसे खगी पंगथाखरे हाइबदि मागसे माक ज्ञान याउद्रे कन्ना फुबगी मरमना अदुगा माहाकना मिकअप थोलक मतमददि रूम ममदा मफी अमत याउदना मपा ममा लदि मयामब मनाउ सिंगना मासे मखुत मखोंगदा चेलना योमसन लगा मागसे रूम ममदा थममबनी अदुगा माहाकना मिकअप थोलक मतमदा मागी लेरम कंडीशन अदो माहाकना फंगनाकी अदुगा मागी मचिनद मोरोक असुबा मोरोक तोंगान तोंगान बकयाना हाप्तुना मागासे यामना ओटनेकी चाकसु पिजदबा इसिंगसु पिथाकिदबा अदुगागी नोंमा माहाकना मागी ईदो कितंग मखनाउसि इंगनगे हाइदुना मागी ईदो माना थकना बहोनाव मतमद माकी मचिमनाव मलागा मंगोंदा मागी मचिनद मपान थोक्सिन बिखी असुमना नोंमदि मागी मपाना लागा मागी मंगसम कन्ना मेटपा मेट महाकना ममित पांगथोरका मागी मपा हाई अरोइबनुमितने नंगना करिगुंबा जिसु निंगनी थाजनी हाइबा तारगदि अरोइबनुमितने अदुबु नंगना हुजिकसु करिगुंबा आई दिसु थादोकनी आई अल्लाह खुरमगनी हाइबा तारगदि आई नंगबु कनबिगनी हाइरको मतमदा महाकना मागी थमोइदा यीशु ख्रिस्त दि सिखी अमसुंग हिंगतखी आई यीशु ख्रिस्त थाजरगा सिबा तारगसु सिबा तारगदि आई सोइदनि हिंगतकनी हाइबा वाखलसे महाकना लाखिबा मतमदा मागी मराइबक्ता करिगुंबा अमा थादरपगी कईगुम अगौब कईगुम मंगाल लंगसीलपगी मोहंग से मांग उखी मागी मपांग से असुकी मतिक कन की इसम चार थकतना लेरको महाकना मपागी मखुसि तपना इंथोग जीजस हाइना महाकना कौब मतमदा मागी मपा से ओइना मखार ताय मागी मपाना पाइरम थांगदुना महाकी मथबाक्ता मपादुगी मथबाक्ता लेले अदुगागी इ तोंगान तोंगान बा करी करी थोले दु मपादगी मचिनदगी सु कोंगोन गुम्बा करी खरा थोकले अदुगागी माना मोइना कैनो तौसे खंगदबगी मरम नमै खुसा गारी होसेगी मपासे पुरगा मेडिकल चटखिबा मानसु चाकचादन लेरकबा महाकना जाम मपांगन करले हैव मतना मांग मपागी फिरोन से सिजल लगा मेडिकल ताना मपागी मनाक्ते चेले स्माय तौने यामना थोइबा टेस्टिमोनी नि अदुगा महाकना सऊदी अरब तोंगान तोंगान बा मफम सिंगदा यीशु ख्रिस्त अहिंग बा ईश्वरगी कनबिबा मपुगी टेस्टिमोनी साखी थौगल महाकना मपोंग फाना तौलेवने अहानबदा यीशु ख्रिस्तबु थाजरबा चुन नाउ इचे चली मा पापुंग सिंग अदोम से अहिंग बगी मचानी अदोम गी पंथुंग हिंगत पने
मरमदि अदोमना निंगजरीबा अदोमना थाजरीबा मपुसे महाक अहिंग बने मरमदुना पृथ्वी की मियोय सिंगना लेबाक पुमनमकना स्टार संडे हाजना हालेलुया येशु ख्रिस्तने हिंगत पनुमित पुंगाकनरिबनी इपागी वपाउना इपागी अथोइब टेस्टिमोनी ना अदोम पुनमकपु ना हौनना सोकपि गदौरिबनी नसि इने सेमजरिबसे लेशेम बिउ मपुगी अचुंबा लेशेम बिउ मपु मपुदगी लाकप इंगथब लेशेम बिउ मपुदगी लाकप लोंब नायजने हिंगब तयंग पानबदल लैरिङैदगी सु हौन खंगबगी पुनसि दो लेशेम बिउ मपुना पिब पामे लेशेम बिउ मपुना अदोम पुनमकपु फंगन बिरसनो अहानबदा अदोमगी थमोयगी थोंग हांगदोक्सेदुना क्वाइदगी मतिक लैख्रब इपागी मतिक लैख्रब वाहैसे अदोम ताबियो इपाना अदोमबु लोइने बिबो रसनु येशु ख्रिस्तो इपागी मिंगलेना आमेन। मेरे जो पुरखे थे वो टर्की के थे, लेकिन मेरे माता पिता इंडिया में आकर के रहने लगे साउथ केरला में। वायनाड नाम की एक जगह है, वो एक हिल स्टेशन है, बहुत सुंदर। हम घर में लगभग 6 बच्चे थे और मैं तीसरे नंबर का था। जब मैं अपनी माँ की कोख में था तो मेरी माँ के कोख में एक इन्फेक्शन हो गया था और डॉक्टर्स ने ऐसा कहा था कि ये बच्चा गर्भ में ही मर जाएगा, और डॉक्टर इस बात पर जोर दे रहा था कि इस बच्चे को मार दो। लेकिन वो अल्लाह की एक बंदी थी और खुदा को मानती थी, इसलिए वो किसी की भी राय नहीं मान सकती थी। उसने अल्लाह से ये कहकर दुआ कि अल्लाह जिंदगी तेरी होती है और जिंदगी तू ही दे सकता है, अगर तू इस बच्चे को जिंदगी देगा तो मैं इस बच्चे को तुझे सौंप दूंगी। ये उसका सरेंडर था, ऑफर था। करिश्मा हुआ और मैं पैदा हुआ। सबको लगा कि मैं गर्भ में ही मर जाऊंगा, क्योंकि मैं खुदा को सौंप दिया गया था, इसलिए मेरे माता पिता ने मुझे स्कूल नहीं भेजा। मेरे बचपन बहुत बुरा था। मेरे भाई बहन और पड़ोसी स्कूल जा सकते थे, लेकिन मुझे इतनी आज़ादी नहीं थी क्योंकि मैं खुदा को सौंप दिया गया था। 8 साल की उम्र में मुझे मुस्लिम अरबिक कॉलेज में भेजा गया एक मुस्लिम मौलाना बनने के लिए। मेरी उम्र क्या थी ये अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे सब कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे 5 से 8 साल के बीच में कुछ कुछ बातें याद हैं। मेरा बचपन बहुत खुशनुमा नहीं था, क्योंकि मेरी मर्जी के बिना उन्होंने, आप जानते हैं, मुझसे नहीं पूछा कि तुम खुदा के लिए तैयार हो कि नहीं। ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने खुद ये फैसला किया कि तुम खुदा के हो और दे दिया। अच्छा, हमें एक मुस्लिम मौलाना बनने के लिए आपको फिलॉसफी और थियोलॉजी की पढ़ाई करनी होती है। फिलॉसफी में आपके पास 5 साल होते हैं लगभग। उन 5 सालों में आप पढ़ रहे होते हैं मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, लॉजिक वगैरह, और अरबिक लैंग्वेज भी। और अगला आपका थियोलॉजी पीरियड होता है, जिसमें आप, जिसे मुख्तसर कहते हैं। पहला मुख्तसर है और दूसरा मुतव्वल है। मुतव्वल वाले हिस्से में आप थियोलॉजी पढ़ते हैं, जिसमें मॉरल थियोलॉजी, कुरान की थियोलॉजी और शरिया लॉ वगैरह आते हैं। तो अगले 10 साल में, कुछ लोगों को 12 साल भी लगते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ाई में और परफॉर्मेंस में अच्छे हैं तो 10 साल में आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है। तो मैंने भी 10 साल में पढ़ाई अरबिक कॉलेज में ख़त्म कर ली। वहाँ अरबिक कॉलेज में, जो कि साउथ केरला में था, मैंने अपनी पढ़ाई की। एक बात बचपन से ही मेरे साथ थी कि जो कानून है वो किसी इंसान पर ज़बरदस्ती उस पर थोपने नहीं हैं। एक तरह की आज़ादी दी जा सकती है, अगर तुम चाहो तो ही तुम करो। अगर तुम अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, अगर तुम बुरा करोगे तो तुम बुरा पाओगे, आप ऐसा कह सकते। लेकिन अगर कोई नहीं करता है तो आप उसे ज़मीन पे सज़ा नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पे मेरे वालिद मुझसे कहते कि तुम्हें मस्जिद में रहना है, लेकिन अगर मैं मस्जिद में नहीं होता तो वो मुझे मारते। वो मुझसे कहते कि तुम्हें रमज़ान रहना है, और अगर मैं रोज़े नहीं रखता तो वो मुझे खाना नहीं देते थे। आप जानते हैं, जो सज़ा बचपन में दी जाती थी उससे मैं खुश नहीं था। एक मुस्लिम मस्जिद में मैं एक इमाम के तौर पर काम कर रहा था, एज अ पैरिश प्रीस्ट मौलाना। तो वहाँ प्रीच करते वक्त मैंने बोला कि यीशु मसीह खुदा नहीं है, मेरे लिए खुदा सिर्फ अल्लाह था। अल्लाह की कभी शादी नहीं हुई तो कोई अल्लाह का बेटा नहीं। तो मैंने ये प्रीच किया कि यीशु खुदा नहीं है। तो किसी ने पूछा, फिर यीशु कौन है? भीड़ में से किसी ने, शायद कोई मुस्लिम, लेकिन उसने पूछा यीशु कौन है? मैं प्रीच कर रहा था वो खुदा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन था वो कौन है। तो ये जानने के लिए मैंने एक बार फिर से पूरी कुरान पढ़ी, 114 चैप्टर, 6666 कुरान की आयतें। और जब मैंने उन्हें पढ़ा तो प्रॉफिट मोहम्मद का नाम मैंने कुरान में सिर्फ 4 जगह पाया, लेकिन यीशु मसीह का नाम 25 जगह। इस बात से मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हुआ कि
कि कुरान यीशु को ज्यादा तवज्जो क्यों देती है, और दूसरी बात, मुझे कुरान में किसी औरत का नाम दिखाई नहीं दिया, ना प्रॉफिट मोहम्मद की माँ का नाम, ना उनकी वाइफ का, ना उनकी बच्चियों का नाम। कुरान में सिर्फ एक औरत का नाम है, वो है मरियम, यीशु की माँ, और किसी औरत का नाम ही नहीं है। पाक कुरान चैप्टर 3 में चैप्टर का नाम है मरियम का खानदान, और पाक कुरान चैप्टर 19 में चैप्टर का नाम ही है मरियम, एक पूरा चैप्टर ही है मरियम। तो मुझे ये जानने की बड़ी इच्छा थी कि कुरान ये सब क्यों कहती है। मरियम के बारे में पाक कुरान चैप्टर 3:34 से आगे कहती है कि मरियम बिना किसी पाप के पैदा हुई, और उसने कभी कोई पाप नहीं किया अपनी जिंदगी में, और वो हमेशा वर्जिन थी। कुरान चैप्टर 50:23 कहती है कि वो फिजिकल बॉडी के साथ जन्नत चली गई, ऐसा कुरान में लिखा हुआ है। और फिर यीशु के बारे में चैप्टर 3:45-55 आयतों में वहाँ 10 पॉइंट्स हैं जो यीशु के बारे में कुरान कहती है। पहली चीज़ जो कुरान कहती है, कलिमतुल्ला, जिसका अरबी में मतलब है खुदा का कलाम, और दूसरी रूह अल्लाह यानी खुदा की रूह, और तीसरा है ईसल मसीह यानी जीसस क्राइस्ट। तो कुरान ने यीशु को नाम क्या दिए हैं? खुदा का कलाम, खुदा की रूह और ईसा मसीह। और कुरान कहती है कि यीशु बोले जब वो बहुत छोटे थे, यानी कि सिर्फ 2 दिन के, अपने पैदा होने के सिर्फ 2 दिन में ही वो बोलना शुरू हो गए। कुरान कहती है यीशु ने एक जिंदा चिड़िया बना दी मिट्टी से, उसने मिट्टी ली, चिड़िया बनाई और उसमें फूका और वो जिंदा चिड़िया बन गई। तो मैंने सोचा ये जिंदगी देने की कुव्वत रखता है, उसने मिट्टी में जान डाल दी, मिट्टी में। और आगे कुरान कहती है कि उसने अजन्म के अंधे को ठीक किया, उसने कोढ़ी को ठीक किया और ऐसी बहुत सी बातें। और आगे कुरान कहती जाती है कि उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया, वो जन्नत चले गए, वो आज भी जिंदा है और दोबारा आएंगे। और जब मैंने ये बातें कुरान में देखी तो मैंने सोचा कि देखूं कुरान मोहम्मद के बारे में क्या कहती है। आप जानते हैं कुरान के हिसाब से मोहम्मद ना तो खुदा का कलाम है, ना खुदा की रूह है, ना 2 दिन का होने पर बोले, और ना कोई मिट्टी से चिड़िया बनाई, ना किसी बीमार को ठीक किया, ना किसी मुर्दे को जिंदा किया, वो उनकी खुद भी मौत हुई थी, और कुरान के हिसाब से वो जिंदा नहीं है और ना दोबारा आने वाले हैं। तो बहुत फर्क है इन दोनों नबियों के बीच में। मैं यीशु को खुदा नहीं बुलाता था, आप जानते हैं, मैं सोचता था कि वो एक प्रॉफिट है और वो मोहम्मद से बड़े प्रॉफिट हैं। तो एक दिन मैं अपने एक टीचर के पास गया जिन्होंने 10 साल मुझे अरबिक कॉलेज में पढ़ाया था। मैंने उनसे पूछा, टीचर ये बताइए कि खुदा ने दुनिया कैसे बनाई? उन्होंने कहा खुदा ने कलाम से दुनिया बनाई, कलाम के वसीले से। तो मेरा सवाल था कि कलाम क्रिएटर है या क्रिएशन है? समझिएगा इसे, कलाम क्रिएटर है या क्रिएशन है? कुरान कहती है यीशु खुदा का कलाम है। अगर मेरे टीचर कहते हैं खुदा का कलाम क्रिएटर है, तो इसका मतलब यीशु क्रिएटर हैं। अब तो मुस्लिम्स को क्रिश्चियन हो जाना चाहिए। मान लीजिए अगर वो कहते हैं कि खुदा का कलाम क्रिएशन है, तो वो फंस जाएंगे। जानते क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि कलाम से सारी चीज़ें बनी हैं। अगर वो कहते हैं कि कलाम क्रिएशन है, तो खुदा ने दुनिया कैसे बनाई? अब ना तो वो ये कह सकते हैं कि कलाम क्रिएटर है, ना कलाम क्रिएशन है। वो बहुत नाराज हुए, उन्होंने मुझे धक्का दिया अपने कमरे से और कहा, ना क्रिएटर है ना क्रिएशन है कलाम, जाओ भागो, निकलो यहाँ से। वो कहना चाहते हैं कि कलाम क्रिएशन है, वो इस बात को साबित करना चाहते हैं कलाम ना तो क्रिएटर है ना क्रिएशन है, लेकिन खुदा भी नहीं है। खुदा नहीं है, ना ही क्रिएटर है ना ही क्रिएशन है, तो खुदा नहीं हुआ, और वो क्रिएशन भी नहीं है, तो वो खुदा के साथ बराबर नहीं है, यही उनकी समस्या है। जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने अपने टीचर से कहा, कलाम ना क्रिएटर है ना क्रिएशन है, इसीलिए तो शायद क्रिश्चियन कहते हैं कि कलाम खुदा का बेटा है। तो उन्होंने मुझसे कहा, अगर खुदा के बेटा है तो तुम मुझे खुदा की बीवी भी दिखाओ, क्योंकि बिना बीवी के बेटे होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो मैंने कुरान से एक हिस्सा उन्हें दिखाया कि खुदा बिन आंखों के देख सकता है, खुदा बिन जबान के बोल सकता है, खुदा बिन कानों के सुन सकता है, ऐसा कुरान में लिखा है। अगर ऐसा है तो खुदा को बिन बीवी के बच्चा हो सकता है? तो वहाँ हमारी बड़ी बहस हुई। जानते हैं सबसे आखिर में मैंने क्या किया? मैंने कुरान ली, अपने सीने से लगाई, कहा, अल्लाह तू ही बता कि मुझे क्या करना चाहिए, तेरी कुरान कहती है कि यीशु अभी भी जिंदा है और मोहम्मद मर चुके हैं, तू ही बता मैं किसको मानूं। और मेरी दुआ के बाद मैंने कुरान खोली, मैंने किसी से नहीं पूछा, मैंने सिर्फ अपने अल्लाह से पूछा। मैंने कुरान खोली, मैंने देखा चैप्टर 10:94 आयत, जानते वहाँ क्या लिखा है? इनकुम तुम फी शक मिम्मा अनजलना इलैका फसअल लजीना यकरऊना अलकिताब मिन क़ब्लिक लक़द जाअकल हक। अगर तुम्हें इस कुरान पर किसी तरह का शक होता है जो मैंने तुम्हें दी है, तो जाओ बाइबल पढ़ो या उनसे पूछो जिन्होंने बाइबल पढ़ी है, क्योंकि सच वहाँ पहले ही बता दिया गया है। मैं तब तक 19 का भी पूरा नहीं हुआ था,
मैंने अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ली थी और मैं अरबिक कॉलेज, माफ कीजिएगा, मैंने मस्जिद में काम कर रहा था, तो मैं 19 से कम का ही था। और जब मैं इस बीच में अपनी बाइबल स्टडी कर रहा था, वहाँ बहुत से ऐसे पॉइंट्स थे जिन्होंने मुझे बहुत छुआ। पहले ही दिन फादर ने पहली ही आयत यूहन्ना की इंजील से पढ़ी। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था और कलाम गोश्त बना। तो मेरी कुरान कहती है कि यीशु खुदा का कलाम है और बाइबल भी कहती है कि यीशु खुदा का कलाम है। तो मैंने पाया कि दोनों ही लगभग एक जैसी ही हैं। तो मैं ये जान के बड़ा खुश हुआ कि मुझे कुरान भी चाहिए, मुझे बाइबल भी चाहिए, मुझे दोनों चाहिए। तो आप जानते हैं, एक दिन मैं मसीही बनता, एक दिन मैं मुस्लिम बनता, एक दिन मसीही, एक दिन, तो मुझे दोनों चाहिए। और जब मैं ऐसा सोच रहा था तो मैंने एक और कलाम सुना, यूहन्ना के पहले चैप्टर की 12वीं आयत, सबसे प्यारी आयत मेरे लिए। बाइबल में ऐसा लिखा है, अगर कोई यीशु को कबूल करेगा तो यीशु उसे ताकत देगा खुदा के बेटे बेटियां बनने की। आप जानते हैं कुरान की सारी आयतें ये कहती हैं कि हम इंसान खुदा के गुलाम हैं, अल्लाह मालिक है, और मालिक गुलाम से प्यार नहीं कर सकता और गुलाम मालिक से प्यार नहीं कर सकता। मैं किसी का नौकर गुलाम नहीं बनना चाहता हूँ। कुरान कहती है कि तुम मेरे गुलाम हो। लेकिन जब मैंने यूहन्ना 1:12 सुना जो कहता है कि अगर तुम यीशु पर ईमान लाते हो तो यीशु तुम्हें खुदा के बेटे बेटियां बना देगा, तो मैंने तुरंत कहा कि मुझे यीशु चाहिए, क्योंकि मैं खुदा का बच्चा बनना चाहता था। मैंने खुदा को डैडी कहना शुरू किया। उससे पहले मैं जानते नहीं था कि मैं खुदा को डैडी बुला सकता हूँ। आप जानते हैं यीशु ने दुआ सिखाई, वो अरमिक में कहती है, एक तरह से हमारे बाप, अबून उसने कहा। अरबी जुबान में अबून का मतलब होता है हमारे बाप। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पाऊंगा जब मैं अपने खुदा को बाप बुलाता हूँ। जब भी कभी मैं खुदा को बाप बुलाता हूँ और जब कभी मैं सोचता हूँ कि इस कायनात को बनाने वाला मेरा बाप है, मुझे इस तरह की खुशी होती कि मैं उसे बता नहीं सकता। वो मेरे समझाने से बाहर है। जब आपको ये तजुर्बा होगा तभी आप इसे समझ सकते हो। मुझे खुदा बाप बुलाना बहुत अच्छा लगता है। वहाँ मैंने यीशु को कबूल किया। जब मैं डिवाइन नाम की जगह पर रह रहा था तो वहाँ पर बहुत से ऐसे पॉइंट्स थे जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को छुआ और वहाँ पर मैं मसीही बना। और इस बीच में मैं अपने घर से गायब था। मेरे घर वालों ने सोचा कि मैं मस्जिद में होऊंगा, मस्जिद वालों ने सोचा कि मैं घर में होऊंगा। लेकिन जब उन दोनों की आपस में बातें हुई तो वो समझ गए कि ना तो मैं मस्जिद में हूँ ना मैं घर पे हूँ। तो उन्होंने मुझे हर जगह ढूंढा। फिर उन्होंने कई जगह अखबारों में इश्तेहार दे दिया, टेलीविजन पर और कई जगह। और आखिरकार उन्होंने मुझे पाया कैथलिक रिट्रीट सेंटर में और मेरे वालिद वहाँ आ गए। वो बड़ा खौफनाक था क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा पीटा था। मेरी नाक से खून बह रहा था और मैं बेहोश हो गया था। और वो मुझे वहाँ से उठा के घर ले गए। मैं नहीं जानता कि किस तरह से वो ले गए, लेकिन वो वहाँ से उठा ले गए थे क्योंकि मैं तो बेहोश था। जब मुझे होश आया तो मैं एक छोटे से कमरे में था और वहाँ मुझ पे कोई कपड़े नहीं थे। मैं पूरी तरह से नंगा था। मेरे हाथ और पांव चेन से बहुत टाइट बांधे गए थे और मैं बोल भी नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे मुंह में मिर्च पाउडर डाला गया था, नाक में, आँख में। और आप जानते हैं जहाँ कहीं भी मेरी खाल पर जख्म थे, घाव थे, उन्होंने लाल मिर्च डाल दी थी मुझे जलाने के लिए। और भी उन्होंने बहुत कुछ किया क्योंकि ये कुरान में लगभग 18 जगह दिया है कि आपको एक नॉन बिलीवर, कुछ जगह ये भी दिया है कि उसे मार दो जो इस्लाम छोड़ता है। तो मेरे वालिद कुरान के कानून का हुक्म मान रहे थे। वो और भी कुछ करना चाह रहे थे। उन्होंने कई दिन तक मुझे खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया। मैं पूरी तरह से सूख गया था और मैंने अपने फटे हुए होंठ से थोड़ा सा खून चाटने की कोशिश की गले को गीला करने के लिए। तब मेरा भाई आया और उसने मेरे मुंह के अंदर पेशाब कर दिया। उसने कहा, यही तुम्हारी सजा है मसीह में ईमान लाने के लिए। और कई दिन के बाद मेरा पेट खाना और पानी ना मिलने से पूरी तरह से खराब हो चुका था। मेरा जिस्म पूरी तरह से कमजोर हो गया था और मैं बिल्कुल हड्डी की तरह हो गया। और आखिर में मेरी याददाश्त भी पूरी तरह से चली गई। मैं कुछ सोच भी नहीं सकता था क्योंकि खाना पानी नहीं था। मैं बिल्कुल मरे हुए आदमी जैसा था। मैंने जानता कितने दिन, शायद 20 दिन मैं उस कमरे में था। एक दिन मेरे वालिद वहाँ आए उस कमरे में और उन्होंने मेरी चेन खोल दी और मैं उस समय उठा हुआ नहीं था। उन्होंने मेरी गर्दन दबाई बहुत कस के, ये जानने के लिए कि मेरे शरीर में कुछ जान है कि नहीं। तो जब उन्होंने मेरी गर्दन दबाई मैं सांस नहीं ले पाया और मैं उनके हाथ में एक बड़ी चाकू देख सकता था। उन्होंने मुझसे कहा कि ये तुम्हारा आखिरी समय है, तुम्हारे लिए कोई उम्मीद नहीं। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें अल्लाह चाहिए तो मैं तुम्हें जीने दूंगा, अगर तुम्हें यीशु चाहिए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं बताऊं, आप जानते हैं जब मैं अपनी माँ की कोख में था तो सबने कहा ये मर जाएगा,
लेकिन वो मुझसे प्यार करते थे इतना कि मेरे लिए दुआ कर रहे थे कि मैं मुझे ज़िंदगी मिले, लेकिन अब वो मुझे मारना चाहते हैं तो मैं नहीं जानता, और मैं अपने वालिद को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो मुझे मार देंगे। तो जब मैं ये समझ गया कि ये मेरी मौत का आखिरी लम्हा है, तो मैंने सोचा कि यीशु भी तो मर गए लेकिन दोबारा जिंदा हुए, अगर मैं यीशु पे यकीन करता हूँ, मरता हूँ, तो मैं भी ज़िंदगी पा सकता हूँ। आप जानते, एक तरह की खुशी थी कि यीशु में मरना अच्छा है। जब मैंने ऐसा फैसला लिया तो एकदम तरह की रोशनी मेरे माथे पर लगी, जैसे चांद की रोशनी कुछ मेरे सिर में लगा, और एक तरह का बिजली का झटका जैसा मुझे लगा, और कुछ मेरे अंदर इतनी ताकत आ गई, आप जानते, कहीं से मेरे शरीर के अंदर इतनी जान आ गई कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इतनी ताकत थी मेरे हड्डियों में। मैंने अपने वालिद का हाथ नीचे खींचा और जोर से चिल्लाया, यीशु। और जब मैं चिल्लाया तो वो जमीन पर गिर पड़े, और जब वो गिरे तो उनके हाथ में जो चाकू था वो उनके छाती पे लगा, और एक बड़ा जख्म हो गया, और वहां से बहुत खून निकलने लगा, और एक तरह का झाग उनके मुंह से निकलने लगा, और वो बहुत तेज चिल्लाए, और सब एक तरह के शौक में थे। मेरा भाई हो, माँ और बहनें, उनको नहीं मालूम था क्या हो रहा है, उन्होंने सोचा मेरे बाप मर गए हैं। सब उन्हें उठा करके हॉस्पिटल की तरफ भागे, और जब वो जा रहे थे तो उन्होंने बाहर से मेरा रूम लॉक करना भूल गए, और मेरे अंदर जो ताकत थी मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं तो बिल्कुल हड्डी की तरह हो गया था, कोई खाना नहीं, बहुत दिन से 20 दिन से ज्यादा हड्डी तो हो गया था, लेकिन बहुत एनर्जी थी। तो मैं तुरंत बाहर आया, मैंने अपने वालिद के कपड़े पहने, टैक्सी स्टैंड तक आया टैक्सी लेने के लिए, और सीधा वहां से भाग गया। रास्ते में जो आदमी टैक्सी चला रहा था वो क्रिश्चियन था, उसने मेरे लिए मिठाई और जूस बहुत कुछ लिया, उसको मेरा स्ट्रगल मालूम है, उसने मुझे पोटा छोड़ा, वो अभी भी मेरे कांटेक्ट में है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो टैक्सी ड्राइवर। तो मैं निकल गया और पोटा आ गया। उस दिन मैंने सचमुच में जाना कि मेरा यीशु आज भी जिंदा है। जब मैंने उसे अपनी जरूरत के लिए पुकारा, उसने मुझे बचाया। इसका मतलब है कि वो यहाँ भी है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये मेरी लाइफ है, हर कहीं मैं जानता हूँ कि वो मौजूद है, क्योंकि मेरे कन्वर्जन के 18 साल हो गए हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुस्लिम मुझे जीने देंगे 18 साल तक, और मैंने मिडिल ईस्ट में भी प्रीच किया है, वहाँ अरब आए थे और कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब है यीशु जिंदा है और मुझे बचा रहे हैं। नहीं, कभी नहीं। देखिए, आपको भी नहीं डरना चाहिए, मरने का डर तो एक तरह की बेवकूफी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जितने पैदा हुए हैं उन्हें एक ना एक दिन तो मरना ही है, 100% उन सबको मरना है, आपको भी मरना है, सबको मरना है। आप मौत से डरो या ना डरो, आपको मरना है, ये एक फैक्ट है। और मैं तो ये कहूंगा, एक बात जो धरती पर तय है वो है आपको मौत आनी है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ कि ये ब्रॉडकास्ट होगा भी कि नहीं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ कि मैं रात का खाना खा पाऊंगा कि नहीं, मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ कि मैं भारत वापस जा पाऊंगा कि नहीं, मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ। मैं श्योर नहीं हूँ कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे और सर्टिफिकेट लाएंगे, मैं किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं हूँ। लेकिन एक बात के लिए मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि मुझे मौत आनी है। जितनी भी बातें हैं सब बेठिकाना है, और आप कोशिश करते हैं, कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन श्योर नहीं है। लेकिन एक बात है जो बिल्कुल तय है, वो है मौत। तो मरने से कभी मत डरिए, इस बात को बिल्कुल मान लीजिए कि ये तो एक दिन आनी है। तो आप ये सोच सकते हो कि अगर मैं मोहम्मद में यकीन करता हूँ और मरता हूँ, तो मेरी सिचुएशन क्या होगी? प्रॉफिट मोहम्मद मरे और लोगों ने उन्हें दफना दिया, और उसके बाद हम नहीं जानते वो कहाँ गए। अगर मैं उनमें यकीन करता हूँ और मरता हूँ, तो मैं नहीं जानता मैं कहाँ जाऊँगा। गौतम बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, शिरडी बाबा, काली, मुर्गन, विष्णु, वामन, बहुत सारे देवी देवता मेरे देश में, भारत में हैं, वो जिए और उन्होंने हिस्ट्री बनाई और वो मर गए, लोगों ने उन्हें दफना दिया, और वो कहाँ चले गए हमें नहीं मालूम। अगर मैं इन सारे देवी देवताओं पर यकीन करता हूँ, तो मैं नहीं जानता कि मेरा भविष्य क्या हो। लेकिन मसीह जो मरा और दोबारा जिंदा हुआ, तो मेरे पास एक उम्मीद है कि मैं अगर मसीह में मरता हूँ तो मैं भी जिंदा होऊंगा। तो सबसे अच्छा रहेगा कि मरना तो कबूल कर लें, और वो भी मसीह में मरे। यीशु ने बहुत साफ तौर पर कहा है कि मैं अपने पिता के घर जाता हूँ, यूहन्ना 14:3 में, मैं अपने पिता के घर जाता हूँ, वहाँ बहुत से मकान हैं, और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, ताकि आकर तुमको ले जाऊँ। तो मैं तो बड़ा खुश हूँ कि मेरा यीशु वहाँ मेरे लिए बहुत बड़ा बंगला तैयार कर रहा है, क्योंकि अगर उसका काम एक बार खत्म हो गया तो वो मुझे आके ले जाएगा। और मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा बंगला है, क्योंकि 18 साल से मुस्लिम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मार नहीं पाए। इसका मतलब है कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, एक बार काम खत्म हुआ तो वो मुझे ले जाएंगे, और तभी मुस्लिम मुझे मार सकेंगे, उससे पहले कोई नहीं। तो मैं मरने से नहीं डरता, ये तो तय है। एक चीज मैं सोचता हूँ कि मौत के बाद क्या, हमेशा की जिंदगी के लिए आपको यीशु की जरूरत है। हर धर्म
ये कहता है कि खुदा और इंसान के बीच में कोई समस्या है तो वो है पाप, और इस्लाम में उनके पास अपने पापों के लिए कुर्बानी है जानवरों की, अपने पापों के लिए वो जानवरों को कुर्बान करते हैं। हिंदुइज्म में अगला जन्म, लेकिन सिर्फ क्रिश्चियनिटी में यीशु मसीह ने हमारे उसकी सजा भुगत ली और मेरे सब पापों को हटा दिया और मुझे बिल्कुल पाक कर दिया, और अब वो मुझे खुदा बाप को दे सकता है ये कहते हुए कि अब ये पाक है, अब मैंने इसे पाक कर दिया है और इसकी सारी सजा, इसके गुनाह पाप अपने ऊपर ले लिए हैं, अब इसे आप जन्नत में आने दे सकते हो। तो यीशु मेरे नजात देने वाले हैं और वो एक परफेक्ट इंसान है क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, मेरा सेवियर एक इंसान ही होना चाहिए, और वो परफेक्ट खुदा भी है क्योंकि मुझे हमेशा की जिंदगी चाहिए, और खुदा ही इटरनल लाइफ दे सकता है। आपको मैं आसानी से समझा सकता हूँ कि पाप करने से मौत आती है, पाप से मौत आती है, तो मौत को हटाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अच्छा, अंधेरे को हटाने के लिए जैसे आप रोशनी को लाते हैं, वैसे ही मौत को हटाने के लिए आपको जिंदगी चाहिए। किसकी जिंदगी? पुराने अहदनामे में वो जानवरों की कुर्बानी देते थे क्योंकि वो मानते थे कि खून में ही जिंदगी होती है। मुस्लिम तो आज भी कुर्बानी करते हैं, लेकिन मेरी मौत को हटाने के लिए मुझे फिरदौस की जिंदगी चाहिए, और ये इटरनल लाइफ मुझे कहाँ से मिल सकती है? सिर्फ खुदा से, और ये है जो यीशु ने क्रूस पर दी।